हेलो बच्चों, आज हमारा लेखन विषय है लघु कथा। तो बच्चों, लघु होता है छोटा और कथा होती है कहानी, यानी छोटी कहानी। तो कहानियों के नाम सुनते ही बच्चों हमें दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा का ध्यान आता है। तो क्या आपने कभी बचपन में कहानियां सुनी है? हाँ, जरूर सुनी होगी, क्योंकि कहानियां सुनने हमें बहुत ही रोचक लगती हैं। और यही नहीं, कहानियों से हमें शिक्षा भी मिलती है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए हमें दादा दादी नाना नानी हमें परियों की कहानियां सुनाते हैं, चिड़िया की, पक्षियों की, ताकि उनमें कोई ना कोई हमें शिक्षा छिपी होती है, उनमें कोई ना कोई ज्ञान छिपा होता है। तो इसी तरह कहानी सुनना बहुत ही रोचक होता है। तो बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में भी लघु कथा जो है वो लघु कहानी के रूप में जो हमें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, इसमें जो इसकी कई विधियां हैं, विधियों का मतलब कई बार क्या होता है कि चित्र को देख के कहानी बनाना होता है, और चित्र को संकेतों संकेत दिए होते हैं और उन संकेतों के आधार पर भी कहानी को लिखना होता है। साथ में कई बार क्या होता है कि शीर्षक दिया होता है और शीर्षक के आधार पर हमने कहानी को लिखना होता है, और अधूरी कहानी भी पूरी करनी होती है। तो इस तरह से हम कहानी को कई विधियों से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, कहानी लिखने की विधियों के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कहानियां होती भी कई प्रकार की हैं, जैसे पशु पक्षी, चिड़िया की, प्रकृति की, और साथ साथ जो परियों की, भूत प्रेतों की, मनोविज्ञानिक, कई प्रकार की कहानियां होती हैं। तो इन कहानियों को लिखने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान हमें देना होता है। देखिए, कहानी क्या है कि जीवन की किसी रोचक घटना के वर्णन को लघु कथा कहा जाता है। सबसे पहले लघु कथा क्या है? हमारे जीवन की कोई रोचक घटना है, उसी के वर्णन को हम कहते हैं लघु कथा। तो इसको जो हमने ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या हैं कि कहानी लिखने से पहले रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा क्या है कि हमारे माइंड में जैसे ही हमने उसका शीर्षक या उसके संकेत बिंदु या अधूरी कहानी या किसी भी रूप में कहानी को हमने उसमें देखा है, तो उस कहानी को पूरी स्ट्रक्चर माइंड में बना लेनी चाहिए कि किस तरह से उस कहानी को पूरे संकेत बिंदुओं को पढ़ के उसकी स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ जानी चाहिए। तो इसी के साथ कहानी की भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। जो हमने कहानी लिखनी है वो सिंपल भी होनी चाहिए, साथ में इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले के अंदर यानी कि उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। उत्सुकता यानी कि उसमें क्यूरियोसिटी आ जाए और जानने की इच्छा आ जाए उसके अंदर कि आगे क्या होने वाला है, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। तो इसे बोलते हैं उत्सुकता। तो क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। साथ ही कहानी छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखनी चाहिए, यानी कि छोटे छोटे हम पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं, जिससे कि छोटे छोटे पैराग्राफ जो कहानी है वो क्रमबद्धता के साथ, कहानी की क्रमबद्धता यानी कि उसकी कॉन्टिन्यूटी भी बननी चाहिए, और उसकी क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहानी में जो किस्सा बाद में आया है वो हम पहले डिस्क्राइब कर दें और जो पहले किस्सा आना था वो हम लास्ट में डिस्क्राइब कर दें। तो इस तरह से कहानी में रोचकता नहीं बनेगी, उसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बनेगी। तो कहानी को हमने क्रमबद्धता के अनुसार ही लिखना चाहिए। साथ ही बच्चों, देखो, कहानी से मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखें कि उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, हमें क्या प्रेरणा मिल रही है उस कहानी से, उसे हमें जरूर वहां पर बताना चाहिए। उससे मॉरल क्या मिल रहा है उसका, उसकी उससे हमें क्या शिक्षा मिलने वाली है, उसको हमें लास्ट में शीर्षक भी दें, ऊपर शुरू में शीर्षक दे के लास्ट में उसकी जो शिक्षा है वो भी बता देनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, देखा कि कहानी लिखना संकेत बिंदुओं के आधार पर कितना आसान है। पूरे संकेत बिंदुओं की रूपरेखा तैयार करें, उसके बाद वो सरल और रोचक होनी चाहिए, उसमें उत्सुकता भी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी बननी चाहिए, पैराग्राफ्स भी आ जाने चाहिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी भी ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसमें क्रमबद्धता आनी चाहिए। साथ ही बच्चों, उससे मिलने वाली जो उसकी शिक्षा है उसको भी हमें जरूर बताना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको कहानी समझ आई होगी कि किस प्रकार से लिखी जाती है। तो इस प्रकार लघु कथा लेखन में आप संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। धन्यवाद।